कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में सोहन का परिवार रहता था। सोहन गांव में ही अपनी एक जलेबी का ठेला लगाया करता था और उसकी पत्नी उर्मिला सोहन को ठेला लगाने में मदद करती थी। ऐसे ही खुशी खुशी परिवार चल रहा था। पिताजी, आज तो बिक्री बहुत कम हुई है, आज का हिसाब तो बहुत ही कम है। हाँ बेटी, क्योंकि आज जलेबी का बिक्री बहुत कम हुआ है, लगता है अब जलेबी की जगह और कुछ बेचना पड़ेगा। तुम सही बोल रही हो, जलेबी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए हमें कुछ और बेचना पड़ेगा। पिताजी, क्यों ना हम पूरी और सब्जी साथ में बेचे, जिससे हमारी जलेबी की बिक्री भी ज्यादा होगी। बेटी की बात सुनकर सोहन वैसा ही करता है, लेकिन जलेबी जितनी अच्छी पूरी सब्जी नहीं बनती है, जिसे लोगों को पसंद नहीं आता है, जिसे देख सोहन और उर्मिला उदास हो जाते हैं। अब क्या होगा जी, धीरे धीरे हमारा धंधा ठप होते जा रहा है, अब हमारा घर कैसे चलेगा, जूली की स्कूल की फीस कैसे भरेंगे। ये सब बातें सुन के दोनों लोग परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद सोहन कहता है, मुझे कुछ सोचने दो, हमें कुछ पैसे सरपंच जी से उधार लेने पड़ेंगे। ऐसा कह के सोहन सरपंच के पास जाता है और सरपंच से पैसे मांगता है, लेकिन सरपंच पैसे देने से मना कर देता है। लेकिन सोहन के बार बार जिद और विनती करने के बाद सरपंच सोहन को कुछ पैसे दे देता है, जिसे लेकर सोहन घर आता है। ये आपने क्या किया जी, ऐसे ही हमारा धंधा नहीं चल रहा है और आप उधारी लेके आ गए। और मैं क्या करता, घर की परिस्थिति देख के मैंने ऐसा किया, और स्कूल के फीस भी तो देने हैं। और फिर दोनों बाजार जाके घर का राशन ले आते हैं और जूली की स्कूल की फीस भी भर देते हैं। और फिर रोज की तरह सोहन और उर्मिला अपना ठेला लेकर अपना धंधा चालू करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे ओ सोहन, हमारे पैसे कब लौटाएगा, बहुत दिन हो गए हैं। अगर हमारे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा ठेला हम साथ लेके चल जाएंगे। मालिक, मुझे कुछ समय दे दीजिए, जैसे ही पैसे आते हैं मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय देता हूँ, अगर इस दौरान तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा ठेला जब्त कर लूंगा, कह देता हूँ। ऐसा कहके सरपंच वहाँ से चला जाता है और सरपंच की बातें सुन के उर्मिला और सोहन सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे ही देखते हफ्ते बीत जाते हैं और सरपंच सोहन का ठेला ले जाता है, जिससे सोहन पूरा दुखी हो जाता है। घर का चिंता और बेटी की पढ़ाई को सोच सोच के सोहन बीमार पड़ जाता है। ज्यादा दिन बीमार पड़ने के वजह से सोहन की मौत हो जाती है, जिसके कारण उर्मिला और नेहा अकेले पड़ जाते हैं। माँ, अब हमारा क्या होगा, पिताजी तो हमें छोड़ के चले गए, अब हमारा घर कैसे चलेगा। नेहा बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ जिससे सब ठीक हो जाएगा। सोहन के चले जाने के बाद उर्मिला गांव के खेतों में काम करने लगती है और उससे जो भी पैसा मिलता था उससे वो अपना घर चलाने लगती। माँ, इतने पैसों से तो सिर्फ घर चलेगा और मेरी स्कूल की फीस कैसे जमा होगी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अगर भगवान की कृपा हुई तो सब ठीक हो जाएगा। उर्मिला अपनी बेटी नेहा को समझाती है और फिर उसे स्कूल भेजती है, जहाँ स्कूल में नेहा को प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हारा 3 महीने का फीस बाकी है, अगर टाइम पे फीस जमा नहीं हुआ तो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। प्रिंसिपल के इन बातों से नेहा दुखी हो जाती है और घर वापस आती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ के नेहा रोने लगती है। अब हम क्या करेंगे, घर की स्थिति भी खराब है, घर में खाने के पैसे नहीं है और अब स्कूल में प्रिंसिपल ने भी ऐसा बोल दिया है, अब मैं क्या करूं? नेहा ऐसा सोच सोच के रो रही होती है, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत सर पे टोकरी लिए आती है और नेहा से कहती है, बेटी क्या तुम इस टोकरी को मेरे घर तक पहुँचाने में मेरी मदद करोगी। हाँ दादी जी, क्यों नहीं, मैं जरूर आपकी मदद करूँगी, दीजिए हमें ये टोकरी। नेहा फिर टोकरी लेकर उस बूढ़ी औरत के घर तक जाती है। नेहा की इस सुंदर स्वभाव को देखकर बूढ़ी औरत परी में बदल जाती है। अरे दादी जी, आप तो एक बूढ़ी थी, पर अचानक एक सुंदर परी कैसे बन गई? बेटी, मैं एक जादुई परी हूँ, मैं हर एक इंसान को परखती हूँ, आज तुम मिल गई और तुम्हारे इस मददगार व्यवहार को देख के मैं अपनी असली रूप में आ गई। तुम्हारी क्या समस्या है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। परी की इस रूप और उसकी बातों को सुनकर नेहा के चेहरे पे खुशी आ जाती है और नेहा अपनी सारी बातें उस परी को बताती है। ठीक है बेटी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सारी परेशानियों का निवारण कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहते ही परी अपना छड़ी घुमाती है और नेहा के सामने एक ठेला और कुछ बर्तन आ जाते हैं, जिसे देख नेहा पूरा खुश हो जाती है। ये लो बेटी, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है,
और हाँ, ये कोई मामूली ठेला और बर्तन नहीं है, ये एक जादुई बर्तन और ठेला है। इस बर्तन से तुम जो भी पकाओगी वो बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बनेगा। इतना करके परी वहाँ से चली जाती है और नेहा सारा सामान लेके घर वापस आ जाती है। नेहा बेटी, ये सब तुम्हें कहाँ मिला? ये सब सामान किसने दिया तुम्हें? माँ, ये सारे सामान हमें एक जादुई परी ने दिया है। इस ठेला और बर्तन की मदद से हम फिर से अपना ठेला चालू कर सकते हैं। हाँ मेरी बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमने कहा था ना, आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ही ली। लेकिन माँ, हम लोग बेचेंगे क्या? पिताजी जलेबी बनाते थे। तुम तो ठीक कह रही हो, हम लोग कुछ दूसरा बनाएंगे जिससे हमारी दुकान चलने लगेगी। माँ, क्यों ना हम लोग पूड़ी और सब्जी बना के बेचे? ताजा और गर्म पूड़ी सब्जी लोगों को बहुत पसंद है। दोनों माँ बेटी ऐसा कह के अगले दिन पूड़ी सब्जी का ठेला लगाते हैं, जिसकी खुशबू बहुत ही स्वादिष्ट होती है, जिसके कारण लोग भागे चले आते हैं, जिससे उर्मिला का ठेला बहुत चलने लगता है और गांव भर में चर्चे होने लगते हैं। और कुछ ही दिनों बाद उर्मिला के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। ये लीजिए सरपंच जी, आपके सारे पैसे। मैंने सारे पैसे ब्याज के साथ लौटा दिए हैं। अरे तुम तो उस सोहन की पत्नी हो ना? तुम्हारे पति को मरे तो काफी दिन हो गए हैं और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? कोई लॉटरी लगी है क्या? नहीं सरपंच जी, मैंने खेतों में काम करके कुछ पैसे जमा किए थे और उन पैसों की मदद से हमने फिर से ठेला लगाना चालू किया है। उर्मिला सरपंच को सारे पैसे वापस कर देती है, जिसके बदले सरपंच ने जो ठेला जब्त किया था वो भी उसे वापस कर देता है, जिसके कारण उर्मिला के पास अब दो ठेले हो जाते हैं। माँ, हमारे पास तो पहले खाने के पैसे नहीं थे और अब उस परी की मदद से हमारे पास दो दो ठेले हो गए हैं। क्यों ना हम दोनों ठेला लगाकर अपना धंधा बढ़ाए? तुम ठीक कह रही हो बेटी, दोनों ठेला लगाने से हमारी आमदनी भी डबल हो जाएगी। उर्मिला अपनी बेटी की बात मानकर दोनों ठेलों पर अपना काम चालू कर देती है, जिसके वजह से उन लोगों के पास पैसों की कमी नहीं होती और अब उन दोनों माँ बेटी का हर जरूरत पूरा होता है। उर्मिला के ठेले से जो खाना मिलता था उसका चर्चा धीरे धीरे पूरे गाँव में फैल गया। जानती हो सविता बहन, गाँव में जो उर्मिला बहन है ना, सुना है उसके ठेले पर पूरी सब्जी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ शर्मिला बहन, मैंने भी सुना है और सारे गांव वालों का भी यही कहना है। चलो हम लोग भी जाके देखते हैं। इतना कह के दोनों फिर उर्मिला के ठेले पर जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ उर्मिला बहन, हमें भी एक एक प्लेट पूड़ी और सब्जी लगा दो, जरा हम भी तो देखे कैसा स्वाद है। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, आइए बैठिए ना, हम अभी गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी लगा देते हैं। फिर उर्मिला उन दोनों को एक एक प्लेट पूड़ी सब्जी लगा देती है, जिसे खाकर दोनों खुश हो जाते हैं। वाह उर्मिला बहन, तुम्हारे ठेले का तो जवाब ही नहीं, जो यहाँ एक बार खा लेगा वह बार बार आना चाहेगा। और फिर दोनों पूरी सब्जी खा के वहाँ से चली जाती है और फिर उर्मिला का ठेला बहुत चलने लगता है, जिसके कारण उर्मिला का जीवन सुधर जाता है और धीरे धीरे दोनों माँ बेटी एक बड़े से घर में खुशी खुशी रहने लगते है। हम लोग की वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।